बीच तेजस्वी ने मुंगेर फायरिंग पर जेडीयू बीजेपी को घेरा। एसपी लिपि सिंह को जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया? बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर की एसपी और जेडीयू सांसद आरपी सिंह की बेटी लिपि सिंह पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि लिपि सिंह जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया। मुंगेर की घटना मामूली नहीं है, हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की सख्ती से जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मुंगेर की घटना की भर्त्सना करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है कि बिहार पुलिस को जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें मुंगेर की घटना पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि रात को मुंगेर के शादीपुर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस ने युवकों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की पिटाई के बाद भीड़ उग्र हो गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाद में बचाव के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में करीब 25 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।